अगर कतर एक बुलबुला है तो पर्ल कतर के अंदर का बुलबुला है। कतर में प्रवासियों के लिए बनाए गए आलिशान कृत्रिम द्वीप में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक सिवोबहान टली इस कहावत का जिक्र करते हैं। अगर आप खास तौर से बनाई गई इन जगहों को देखें तो आपको ये कहावत सही लगने लगेगी। यहाँ की गलियां आपको किसी खाड़ी देश के बजाय भूमध्य सागर वाले यूरोप का हिस्सा लगेंगी। यहाँ पूरे देश की तुलना में ज्यादा विदेशी लोग मिलेंगे। कई देशों के नागरिक, जिनमें ज्यादातर पश्चिमी शैली की पोशाक पहने हुए होते हैं, यहाँ वे शाम को स्ट्रीट कैफे और विस्ट्रो शैली के रेस्टोरेंट में बैठे मिल जाएंगे। यहाँ स्पेनिश स्टाइल में बने चौराहे, नहरें और वेनिस की तरह बनी हुई बिल्डिंगें दिखेंगी। गोल घेरे में बने मकान फवारों से घिरे हुए हैं। इनके बीच से कम चौड़ी सड़कें गुजरती हैं और उनमें आपको कई लाख डॉलर की स्पोर्ट्स कारों का कारवां भी नजर आएगा। यहाँ लोग लग्जरी विला या अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते हैं। 20-20 मंजिलों के ये अपार्टमेंट स्विमिंग पूल, जिम, प्राइवेट बीच से लैस होते हैं। दोहा के दूसरे पड़ोसी इलाकों में ऐसा नजारा नहीं है। मसलन सऊदी लड़कियों का एक समूह एक लेबनानी रेस्तरां में घुसने के कुछ ही मिनट में अपने सिर से हिजाब हटा लेती हैं। मरीना से गुजरती हुई महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती दिखती हैं जिनके गले खुली हुई हैं और वे शॉर्ट स्कर्ट्स पहने दिख रही हैं। होटल और रेस्तरां की भरमार है जहां शराब परोसी जाती है। लापरला यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये कतर की प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कृत्रिम द्वीप है जिसे लोगों ने बनाया है और इसके लिए समुद्र का लगभग 40 लाख वर्ग मीटर इस्तेमाल किया गया है। ये पहला ऐसा शहरी प्रोजेक्ट है जिसमें कतर के बाहर के लोग भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ 25,000 रेजिडेंशियल यूनिटें हैं। फिलहाल यहाँ 33,000 लोग रहते हैं। यहाँ एक स्टूडियो मकान की कीमत $3 लाख है। समुद्र की ओर खुलने वाले 5 बेडरूम वाले विला लगभग $1.25 करोड़ में उपलब्ध हैं। आसमान से देखने पर यह किसी मोती की तरह दिखता है। यहाँ कई रेस्टोरेंट, लग्जरी होटल, शॉपिंग मॉल, बार, सिनेमा हॉल और आलीशान जगह हैं। इन्हीं लग्जरी होटलों में से एक में वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली अमेरिकी टीम रुकी हुई है। कतर आमतौर पर काफी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ के नागरिकों का कहना है कि पश्चिमी देशों के लोगों के कुछ व्यवहार, मसलन उनके कपड़े पहनने के ढंग से, कतर की परंपरा पसंद लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जमीन पर ऐसा नहीं दिखता। शुरुआत में पर्ल में प्रवासी समुदाय के लोग ही रहते थे। इनमें से कई पश्चिमी देशों के थे जो कतर में मिल रही सुविधाओं की वजह से यहाँ आए थे, लेकिन अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा कतर के लोग आ रहे हैं। यहाँ कई प्रॉपर्टी हैं जो शाही परिवार की हैं। यही एक इलाका है जो देखने में वेनिस जैसा लगता है। नाम है क्वेनेट क्वार्टियर। पर्ल की गलियों में आपको पश्चिमी देशों की महिलाएं कम कपड़े में दिख जाएंगी। बीच पर वे बिकनी में भी दिख जाएंगी और यहाँ उन पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ इन इलाकों की चमक तमक के बीच लापरला और लेबर सिटी में उन रिसेप्शन कैंपों की भी चर्चा होती है जहाँ दक्षिण पूर्वी एशियाई, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीकी देशों के प्रवासी श्रमिकों के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये दोहा के बाहरी इलाकों में रहते हैं और लापरला जैसे इलाकों में उनके घुसने पर रोक लगाई जाती है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें अलग रखा जाता है ताकि कतर की चमक दमक पर सवाल खड़े ना हो, लेकिन कतर इससे इनकार करता है। उनका कहना है कि ऐसा उन लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।